अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं के साथ मैं लाई हूँ खाना बने आसान में एक और नई रेसिपी, जिसका नाम है वाइट चना सलाद। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। एक पाव मैंने सफ़ेद चने लिए हैं, इसको मैंने 3 घंटे भिगो के मीठा सोडा के साथ उबाल लिया है। इसके साथ ही 2 खाने के चम्मच लिए लेमन जूस, 1 खाने का चम्मच लिया है जैतून का तेल, 1 अदद टमाटर लिया है मीडियम चॉप, 1 अदद खीरा लिया है उसको भी मैंने चॉप कर लिया है, 2 अदद खाने के मैंने इमली का पल्प लिया है, 1 अदद बॉयल आलू लिया है उसको भी चॉप कर लिया है, 1 अदद मीडियम प्याज लिए उसको भी चॉप कर लिया है, 1 अदद छोटी हरी मिर्च लिए जिसको बारीक काट के चॉप किया है, 1 अदद मैंने चाय का चम्मच लिया है काला नमक, 1 चाय का चम्मच लिया है चाट मसाला, थोड़ा सा हरा धनिया चॉप कर लिया है, 1 चाय का चम्मच लिया है मैंने भुना हुआ जीरा, पिसा हुआ भुना हुआ जीरा, और 1 चाय का चम्मच लिया है मैंने ब्राउन शुगर, और सलाद पत्ता लिया है थोड़ा सा वो भी चॉप। सलाद की हम मिक्सिंग करते हैं। सबसे पहले मैं वाइट चने को शामिल करूँगी, इसके साथ ही डालेंगे हम खीरा, टमाटर, प्याज, बॉयल आलू। पहले हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। के साथ ही हम शामिल करेंगे लेमन जूस, इमली का पल्प, इसके साथ ही ब्राउन शुगर, भुना पिसा जीरा, चाट मसाला। आप ये बना के खाएं, बड़ी ज़बरदस्त लगती है ये सलाद। काला नमक, पहले हम इसको मिक्स करते हैं। मिक्स होने के बाद मैं शामिल करूंगी हरी मिर्च, ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो इस डालें वरना ना भी डालें। इसके साथ ही हरा धनिया शामिल करेंगे, सलाद पत्ता शामिल करेंगे, इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स हो गई है। सबसे आखिरी में मैं जैतून का तेल शामिल करूंगी कि ये सलाद को बड़ी शाइनिंग देता है। इसको मिक्स करेंगे। वाइट चना सलाद तैयार है। ये वाइट चने जो हैं सलाद में बड़े ज़बरदस्त लगते हैं, और इन सलाद को आप दोपहर में अपने खाने में शामिल करें। डिश आउट करती। रेसिपी तैयार है, इंशाल्लाह ताला आपको मेरी रेसिपी ये पसंद आएगी। सलाद को दोपहर के खानों में शामिल कीजिए, चाहे चने का सलाद हो या वेजिटेबल सलाद हो, क्योंकि गर्मियों की ये बेहद ज़रूरत है। हमसे नहीं खाया जाता सालन क्योंकि गर्मी शदीद है, लेकिन अगर आप सलाद खाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत बेहतर महसूस होगा। तो आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि मेरी तमाम नई वीडियोस आपको मिल सके। इंशाल्लाह एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।